और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ लेंगे। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेंगे और आज शपथ ग्रहण समारोह 2 बजे से होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे तो वहीं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जिसकी तैयारी राजभवन में जो है पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है और राजभवन के अंदर जो हॉल है वहाँ पर राजेंद्र मंडपम है, वहाँ पर जो है शपथ ग्रहण कार्यक्रम चलेगा। और देखिए, जो तमाम प्रशासनिक तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। अभी से ही जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ तैयारी हुई है और हर तरह से जो भी तमाम तैयारियाँ होनी है शपथ ग्रहण के लिए वो सभी चीज़ें जो है राजभवन के अंदर चल रही है। तो समय जो है वो तय हो चुका है, आज दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लेंगे और उसके बाद जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होगा। हर तरफ बातचीत चल रही है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो, कौन कौन से लोग मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जदयू की अगर बात करें तो जो तमाम मंत्री थे वो फिर से एक बार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। 1-2 मंत्रियों के नाम पर चर्चा फिलहाल नहीं चल रही है और जो सबसे अहम बात है कि विधानसभा में स्पीकर कौन होगा, इसको लेकर के भी मामला कहीं ना कहीं अभी क्लियर नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि या तो जदयू की तरफ से या फिर RJD की तरफ से स्पीकर होंगे। जदयू की तरफ से अगर स्पीकर की बात करें तो विजय चौधरी होंगे और RJD की तरफ से बात करें तो कोई और नाम हो सकता है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ जो असमंजस है वो लगातार बना हुआ है, उन सभी चीज़ों को आने वाले 1 से 2 दिनों में क्लियर कर लिया जाएगा और 1 से 2 दिन में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा। प्रणव राज, न्यूज़ 22 को, पटना।